हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और मैं रेडी हूँ इंस्टीट्यूट जाने के लिए। नहीं, मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ अपने नए वाले घर। मम्मी को कुछ काम है वहाँ पे, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। और धूप भी अच्छी खासी निकली आज, प्लान था बढ़िया। तेल लगाया था कल ना ढेर सारा, तो उसे वॉश करने का तो ये था, पर अब जा रहे हैं वहाँ, वहाँ कोई रहता नहीं है, तो पहले जाएंगे थोड़ा सफाई फाई करेंगे तो बाल गंदे हो जाएंगे फिर से। तो सोचा कि चलो ठीक है, अभी वहाँ हो आते हैं और फिर वहाँ से सब काम करके आएंगे, तब बढ़िया हेयर वॉश करके नहा लेंगे। तो अभी मैं तो ऐसे ही तेलू तेलू बन के जा रही हूँ, सडन प्लान हो गया। अरे मम्मी ऑफिस में है, मम्मी हमको मिलेंगे रावतपुर से ही, तो चलो वो निकलते क्योंकि फिर लेट ना हो जाए, क्योंकि मम्मी को वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मौसम अच्छा है तो आराम से पहुंच जाएंगे। चप्पल कितनी कट्टा से बोली ना, जा रहे ना सिपाही, गेट बंद कर लो। मम्मी मिल गई थी रास्ते में 5 मिनट के बाद। अरे निकलो, मंच बनाया है ना। सो फ्रेंड, पहुंच गए हैं घर और बढ़िया लाइट वाली जला दी है, थोड़ा सा गेट वेट खोल दिया है ताकि सफोकेशन थोड़ा हट जाए। वैसे भैया आते रहते हैं हर वीक में, तो बढ़िया क्लीन, नीट क्लीन, और अपना घर तो अपना होता है, देख के बड़ी खुशी होती है। जय माता दी। यहाँ माता जी बैठी हुई हैं, ये कमरा पूरा खाली है अभी, पता नहीं कमरा कब भरेगा, कब भरेगा। मम्मी से बोल रहे हैं थोड़े बहुत फर्नीचर यहाँ पे रखवा दे, ताकि हम लोग आते जाते ना तो आराम से बैठे उस पर। क्या कहते हो आप लोग? चलो अभी लेके चलेंगे आपको ऊपर, और मौसम ने क्या ट्विस्ट लिया है। मेरी आवाज़ बहुत गूंज रही होगी ना, मौसम ने पता है कैसा ट्विस्ट लिया है, मस्त कड़क धूप भी मैंने आपको दिखाया था ना, और अभी इस टाइम पे पता है क्या हाल है, ठंडा हो गया मौसम और 1 बजे है अभी दिन के। तो बस हम लोग भी अभी यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, बातें करेंगे, थोड़ा काम करेंगे और फिर निकलेंगे। मौसम को देखते हुए जल्दी निकलना पड़ेगा अब, है ना माते? तो चलो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद।
So, दोस्तों आ गए हैं हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे और यहाँ मम्मी खिड़कियाँ खोल रही हैं। काफ़ी डर्ड हो जाती है यार, मेरे यहाँ कोई भी सिगरेट नहीं पीता है और ना ही ये पान मसाला खाता है। ऑफकोर्स बगल वालों का कारनामा होगा क्योंकि खाली घर देख के सबको लगता नहीं वो अपना घर है, कुछ भी कर लो उसमें। चलो खोलते हैं गेट। अब जा रहे हैं छत पे, तो चलो देखते हैं छत के क्या हाल है। और मस्त बैकग्राउंड है यार यहाँ का, तो मस्त रोशनी आती है, वही घर के अंदर ही, कोई दिक्कत नहीं। सो फ्रेंड मम्मी से हम बोल रहे थे कि हम लोग अगर यहाँ रहते तो कितने सारे बैकग्राउंड अच्छे अच्छे से थे इस पर अपने अपना वीडियो शूट कर लेते। और आते ही ना मैं देखो पूरा अपना वो थर्मल, आते ही मैंने थर्मल गंदा कर लिया है अभी बिना सफाई की, अभी और करूंगी तो पता नहीं क्या हाल होंगे। हम लोग छत पे खड़े होके बढ़िया मस्त नज़ारा ले रहे हैं बाहर का। और सब धूप थी ना तो सबने देखो अपने कंबल और कपड़े वगैरह सुखाने के लिए डाल दिया, पर किसे पता था कि धूप एकदम से चली जाएगी। और ये अंकल भी अंदर जा रहे हैं क्योंकि धूप यहाँ जा चुकी है। ये दिखता है हाँ वो पनकी पावर हाउस है वहाँ पे, वो उधर पे वो जो दिख रहे बड़ा सा वो वही पनकी पावर हाउस है, मतलब उसके बगल का वो रोड है। और थोड़ा सा उधर करके देखेंगे, अभी बैक कैमरे दिखाएंगे, वो जस्ट मेरे घर के पीछे पनकी पावर हाउस है, पीछे नहीं है थोड़ा दूर, लेकिन वो बड़ा सा है ना तो दिखता बहुत अच्छे से। और मौसम देख रहे हो भाई साहब, मौसम बहुत हो गया है ठंडा। और अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, अभी खाली मटर गश्ती हम लोग की चल रही है। खड़े हैं हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सब चीज़ें। मम्मी हम लोग तो साल भी नहीं लाए, टोपा भी नहीं लाए, ठंड हो जाएगी। देखो दोस्तों सारी छत को साफ कर ली है हम लोग ने मिलके। और हाँ इसमें तो धुलाई होगी, अभी धुलाई का मौसम नहीं है। अब जा रहे हैं, मम्मी करेंगी जीना साफ और मैं आपकी काम वाली भाई, मैं करूँगी कमरे को साफ। चलो चलते हैं नीचे। रूम मम्मी कह रही है, रूम बोल दिया करो, पढ़ाया लिखाया इतना पैसा लगाया तुम्हारे ऊपर हमने, इतना ट्यूशन पढ़ाया। रूम मस्त साफ हो गया है, यहाँ किचन साफ हो गया, अंदर कमरा साफ हो गया है। देखो रूम चकाचक, देखो कितनी फ्लोरिंग साफ है। सोचो अच्छे से मैंने झाड़ लगाई है, किचन भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। लाइट नीचे से बंद कर दी हम लोग ने ना। चलो खोल है क्या? बस देखो मेरे किचन में यहाँ पे मम्मी को पता आई लव ब्लैक कॉफी, कॉफी का वॉलपेपर लगाया है यहाँ पे। टाइल्स लगे वॉलपेपर नहीं? हाँ वॉलपेपर नहीं लगा, ये टाइल्स है एक्चुअली, ये टाइल्स है।
छोटू सा सिंक, मेरे घर वाला बहुत बड़ा है, मतलब वहां वाला बस। किचन साफ कर दिया चकाचक से, बंद कर दीजिए मम्मी, कमरा भी साफ कर दिया है, कमरा भी साफ हो गया, हम लोग चलते क्योंकि आवाज गूंज। जीना भी साफ हो गया है, अभी किचन करेंगे साफ। और यहाँ पे ऊपर कॉफी थी ना, और यहाँ मम्मी की मसाला टी, नहीं ये भी कॉफी है ना मम्मी, ये भी कॉफी मशीन है, बहुत पुराने समय पे जब कॉफी का बहुत चलन हुआ करता था, ऐसी मशीन आती थी, यहाँ पे कॉफी का पाउडर निकलता था, यहाँ ये बीन्स डाल के ऐसे मसाला पीसते हैं। सो फ्रेंड निकल लिए घर, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है ना, पानी वानी कहीं गिर गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और मम्मी का शॉल लेके हम आए नहीं हैं, और ना ही अपनी कैप लेके आए हैं, तो वही मम्मी बोल रहे कि मम्मी चलो निकल लेते हैं, ताकि अभी घर जाके नहाना वाना भी है ना, इतने गंदे हो गए हैं, यहाँ पर नहाया जाए। बिल्लू देखो सो रहे, हाँ बिल्लू वो देखो नहीं ये, अच्छा हाँ यहाँ पर बेबीज हुए हैं, ये सीज़न ही होता लग रहा है ना। तो बस हम लोग जा रहे हैं घर, कुछ खाएँगे बाहर और खा के फिर जाएंगे घर, है ना मम्मा। क्या करें यार, भूख तो भूख होती है ना, अब भूख का टाइम है यार, 2:30 बज रहे हैं, कुछ खाएंगे, हाथ तो साफ है, मुंह साफ है तो खा, क्योंकि घर जाएंगे तो हमें 4-5 बज जाएंगे नहाने वहाने में। और आई कांट हैंडल, हाँ किसी क्या सोयाबती बन रही, औरतों का कुछ नहीं हो सकता, अब हम लोग के घर पर भी बनेगी, लेके जाएंगे मम्मी, लेके जाएंगे मेरे घर पर। ये रास्ता सीधे सीधी रास्ते मेरे घर की है, और यहाँ सारे घर बने हैं बहुत अच्छे खासे। उधर सीधा सीधा चौराहा ये जो सीधे सीधे घूम के चौराहा मेरे घर के सामने निकली है। अच्छा यहाँ पे भी घर बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, हर तरफ चारों तरफ से गली अपने घर की है ना, मतलब मेरे घर के साथ इधर से जाओगे, इधर से जाओगे, सामने से जाओगे, पीछे से जाओगे, हर जगह से। दोस्तों आ गए यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी और दही, जो कि बहुत ज़्यादा यमी है, बहुत ही ज़्यादा मस्त है, गर्म गर्म जलेबी और मस्त दही, और ये ना पूरा दिन ये बनाते हैं, वैसे मॉर्निंग का टाइम का ब्रेकफास्ट होता है दही जलेबी, पर ये पूरा दिन बनाते हैं, और इनकी जलेबी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत अच्छी, और तुरंत फ्रेश बनाते हैं आपके लिए गर्म गर्म, मज़ा आया, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था, फुल रसे में भरी हुई जलेबी, कैसी लगी मैं आपको, मस्त ना। चलो चलते हैं, भैया को बिल पे कर देते हैं, और यहाँ थोड़ी जलेबी बच गई क्योंकि ज़्यादा दे दी थी ना उन्होंने, तो पैक करवा लेते हैं। सो फ्रेंड ये जलेबी वाला ना कल्याणपुर मेन मार्केट जो है ना वहीं पे ही है, और देखने में आपको बहुत टेम्परेरी लगेगी, पर इनकी जलेबी बहुत ज़्यादा अच्छी थी यार, एक फ्लावर जैसी थी और पतली थी और फुल ऑफ रसा भरा हुआ था, मतलब खा के तो मज़े ही आ गए थे, और वो भी हल्की गरम गरम मिल जाए ना तो क्या बात होती। इनकी दही भी बहुत बढ़िया थी, मम्मी अच्छे से इंजॉय करी, वैसे मम्मी दूध के साथ ज़्यादा प्रेफर करती हैं जलेबी खाना, पर आज दही के साथ खा रही हैं और उनको भी बहुत अच्छी लगी, तो या मज़ा आ गई, अच्छे अच्छे से घूम लिया, जलेबी खा लिया, तो और क्या ही चाहिए। और अब यहाँ पे खाने वाले हैं पॉपकॉर्न, क्योंकि जो सीज़न है ना, जो मतलब जैसा मौसम है ना, उसमें इसकी स्मेल आहा बहुत, और ये इतना गर्म था ना कि पैकेट फाड़ के बाहर आ गया, तो काफ़ी इसका जो पॉपकॉर्न था बहुत गर्म था, तो हम लोगों ने एक्सचेंज करा लिया और उनसे ओपन पैकेट ले ली, क्योंकि हम लोग को अभी खाना था ना, इस वजह से हम लोगों ने ओपन पैकेट ले ली और बोला ये रख लो आप अब किसी और को देने के लिए, तो यहाँ हम लोगों ने अपनी ओपन पैकेट ले ली है और खाते खाते जाएंगे। और इसमें दही फंसा हुआ है, दस फंसा है इसमें, नहीं बैग खोले मेरा, ये कटवा है मम्मी, लंबे लंबे है,
तली हो तो बन जाएगा। मूली दो फ्रेश में, मूली ले लो मैं। कल्याणपुर में ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ मिलती हैं, और देख रहे हो ना मूली कितनी ज़्यादा अच्छी है, वाइट, बिल्कुल मतलब वाइट कलर की और बिल्कुल फ्रेश थी। तो हम लोगों ने यहाँ से थोड़ी सब्जी ली। प्रॉब्लम ये थी हम लोग साथ में कुछ झोला ऐसा ले के नहीं गए थे, लेकिन जहाँ ऐसी हरी भरी सब्जियाँ होती है ना तो वहाँ से बिना लिए आने तो बनता नहीं, और साथ में अगर मम्मा हो तो फिर तो और ही ज़्यादा। इतना रोकने के बाद मम्मी रुकी, वरना मम्मी तो पूरी मार्केट कर लेती हैं यहाँ की अच्छी खासी, और काफ़ी हद तक सामान हम लोगों ने ले लिया था। तो चलो चलते हैं हम यहाँ से घर। घर आ गए हैं, और आज मम्मी ने बहुत थकाया, बहुत चलाया पैदल मम्मी ने, ऊपर से सब्जियाँ वब्जियाँ भी लेने लगी। तो फ्रेंड वहाँ से आने के बाद बनाई अदरक वाली चाय, और साथ में लेके आए थे टोस्ट, और ये रही सब्जियाँ। तो यहाँ मूली, शलजम और सागा प्याज, मिर्चे और सोया मेथी, बथुआ, बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे। तो गाइज यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ कल के एक न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, बाय बाय। और मुझे कमेंट करके बताइए कि किसकी किसकी मॉम ऐसी हैं कि सब्जी देख के उनका बस मन करता है ले लें। देख रहे हो आप 7-8 झोले हैं और